नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं माया सूर्यवंशी। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी का हलवा। लौकी का हलवा बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। लौकी ले लेंगे, लौकी को अच्छे से धो के साफ़ कर लेना है। घी ले लेना है। ड्राई फ्रूट्स आप अगर पसंद करते हो तो ज़्यादा लीजिए। शक्कर हमने यहाँ पे ली है, इलायची और फ्रेश वाली ये मलाई है, थोड़ा दूध के साथ। ठीक है, तो सामग्री हमारी ये कंप्लीट है। अब हम रेसिपी देखते हैं। तो कढ़ाई लेना है। एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पे घी ऐड करेंगे। इसे थोड़ा गर्म होने देंगे। यहाँ पे लौकी का पानी हमें अच्छे से निकाल लेना है। अब घी हमारा मेल्ट हो चुका है, इसमें हम धीरे धीरे लौकी को डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फ्लेम थोड़ी धीमी ही रखिएगा, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। इसे अच्छे से घी के साथ मिक्स होने के बाद 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहिए। लौकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। बच्चे सब्जी खाने में थोड़ी आनाकानी ज़रूर करते हैं, लेकिन ये लौकी का हलवा इतना टेस्टी है कि इसे ना नहीं कहेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहिए, फिर से कवर करिए। इसमें हमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लौकी में पानी भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए पानी अगर ज़रूरत हो तो ही डालें, वरना शुरुआत में पानी बिल्कुल ना डालें इसमें। ये लगभग 50% हमारा कुक हो चुका है। अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। यदि आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो ज़्यादा शक्कर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल देंगे ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए। मिक्स कर लेना है। शक्कर डालते ही इसका कलर चेंज होने लगता है। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, फिर से इसे कवर करके रख देंगे। लगभग 3 से 4 मिनट हमारे हो चुके हैं शक्कर डालने के बाद। अब हम इसमें इलायची डालेंगे, साथ ही ऐड कर देते हैं ये क्रीम भी। फ्रेश क्रीम का यूज़ हमने यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि हम इसमें दूध ज़्यादा नहीं डाल सकते, इसलिए बेटर है कि हम इसमें क्रीम ही यूज़ करें। अब इस हलवे को अच्छे से कवर कर लीजिए और इसे पूरा समय अच्छे से पकने के लिए देना है। इसे ढककर रख देते हैं हम। बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है। काफ़ी अच्छी तरह से ये पक रहा है। और अब ये गाढ़ा भी होने लगा है। फिर से इसे कवर कर लें। ये हमारा हलवा अच्छी तरह से पक रहा है। ध्यान रहे कि फ्लेम को ना ज़्यादा हाई नहीं करना है। फ्लेम हाई होने से ना ये साइड में चिपकने लगेगा, इसलिए मीडियम फ्लेम पर ही इसे आराम से पकने देना है। लगभग 5 मिनट और लगेंगे इसे। बहुत ही अच्छी तरह से हमारा हलवा बनके अब तैयार है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और कलर भी इसका चेंज हो चुका है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो देखिए, काफ़ी अच्छी तरह से हमारा ये हलवा बनके तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। ऊपर से चाहे तो थोड़े ड्राई फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हैं।